देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। बदायूं जिले में थाना मूसा झाग पुलिस ने चंडीगढ़ से मुजफ्फरपुर जा रहे ट्रक से 515 पेटी हरियाणा ब्रांड की अवैध शराब बरामद की है। बरामद शराब की कीमत 13 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान त्रिपाल खोलने पर ट्रक के अंदर पीओपी और सफेद पुट्टी के कट्टे के बाद शराब छिपाई गई थी। जब पुलिस ने सघनता से ट्रक की छानबीन की तो कट्टों के बीच अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा मार्ग का शराब मिली। पुलिस ने ट्रक चालक गुरजीत और कुलदीप पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह चेकिंग अभियान होली के त्यौहार के मद्देनजर चलाया है।